सुन जाएगा अपना की प्लीज सुनिए मैं आपको सुनने तो अपना ईमेल बता दो नहीं तो सबको अपना ईमेल करा दीजिएगा मैं आपको ईमेल कर जिसको चाहिए उनसे ईमेल आईडी ले लीजिएगा मैं ईमेल पे सेंड कर दूंगा आई सेंड ईमेल सॉरी टू मेक यू ऑल वेट फॉर सो लॉन्ग ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शाज़िया इल्मी ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है एक बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाली थी लेकिन विलंब के लिए उन्होंने मीडिया से माफी मांगी है शाज़िया इल्मी जो कि फाउंडर मेंबर रही हैं आम आदमी पार्टी के अन्ना हजारे के आंदोलन से ही वो अरविंद केजरीवाल और अन्ना के साथ जुड़ी हुई थी जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई शाज़िया इल्मी उसकी फाउंडर मेंबर में से एक थी जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है आपको बता दें आरके पुरम से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था कुछ कह रही हैं एक बार सुनने की कोशिश करते हैं मैंने एक बजे का वक्त दिया था भाई कहाँ है तो फिर उनसे मिलकर मैं यहाँ पे आई और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है बहुत दुख के साथ कि जिस आंदोलन के साथ और जिस पार्टी के साथ मैं उसके साथ ही कहना पड़ रहा है बहुत दुख के साथ कि जिस आंदोलन के साथ और जिस पार्टी के साथ मैं तन मन से जुड़ी हुई थी मैं उसे छोड़ रही हूँ मैं अपना त्याग पत्र दे रही हूँ सारी मेंबरशिप से भी और सारी पार्टी पोजिशन से भी मैं स्पोक्स पर्सन भी हूँ पार्टी की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हूँ और प्राइमरी फाउंडर मेंबर भी हूँ तो मैं उन सब से त्याग पत्र दे रही हूँ और मेरी वजह क्या है ये मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ आफ्टर मच थॉट एंड डेलिबरेशन आई हैव डिसाइडेड टू गिव अप माई मेंबरशिप ऑफ द आम आदमी पार्टी एंड रिजाइन फ्रॉम ऑल पोजिशंस ऑफ द पार्टी दिस इज इंडीड अ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मी And I believe that AAP could have done a lot and has done a lot to change the political discourse better in the country. A lot of mistakes that the party has made can be excused by the fact that it is a new party committed to a corruption-free India. So, ये मेरे लिए बहुत ही एक गंभीर और बहुत ही दुखी मन के साथ मुझे ये करना पड़ रहा है, बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप जो कि बहुत कुछ कर सकता था और बहुत कुछ इसने किया है. देश में जो राजनीतिक डिस्कोर्स है उसको बदलने के लिए मैं उस पार्टी को छोड़ रही हूँ और मुझे लगता है कई गलतियां भी हुई हैं पार्टी से लेकिन एक नई पार्टी है और उसको इसके लिए थोड़ा सा आपको गुंजाइश देनी चाहिए बट माई डिसीजन टू लीव द पार्टी इज ट्रिगर्ड बाय द लैक ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी स्पेशली फ्रॉम अ पार्टी दैट कॉन्स्टेंटली टॉक्स ऑफ स्वराज आई डिनाई विस्पर कैंपेन्स वेहेमेंटली That my resignation has to do with being fielded from Ghaziabad. I wouldn't have valiantly fought from a seat I didn't personally opt for. The reasons why, because of which I'm leaving. मैं हिंदी में फिर से बोल दूं कि मैं एक साथ हिंदी में करूं साथ साथ. ब्रेक एक बार मिक्स बोलते हैं जी तो मेरा डिसीजन क्योंकि आंतरिक जमहूरियत नहीं है पार्टी में और मेरे लिए सबसे बड़ी वजह है पार्टी छोड़ने का और मुझे लगता है जो पार्टी स्वराज की इतनी बात करती है और एक ये ऐसा आइडिया है जिसने हमको इतना प्रोत्साहित और प्रेरित किया है और इसी के लिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसमें आए और अगर इसी पार्टी में इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो ये बहुत तकलीफ की बात है और मैं ये भी सो एक विस्पर कैंपेन शुरू की गई है कहीं से मुझे मालूम नहीं कि मैं गाजियाबाद की वजह से परेशान हूं देखिए मुझे रायबरेली से नहीं लड़ना था मैंने नहीं लड़ा दिल्ली में मुझे नहीं दिया गया कोई बात नहीं मुझे बहुत कन्विंस कराया गया गाजियाबाद तो मैं लड़ी वहां पे हिम्मत के साथ में लड़ी लेकिन अब गाजियाबाद और हार जीत से भी बढ़कर एक और चीज है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं व्हाट वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स एंड दैट इटसेल्फ मेक्स मी थिंक एंड वंडर क्रोनीइज्म वी फाइट अगेंस्ट क्रोनीइज्म बट वी हैव अ क्रोनी क्लीक दैट रन्स अ पार्टी माफ कीजिएगा बट वी हैव अ क्रोनी क्लीक दैट रन्स अ पार्टी एंड टेक्स इम्पल्सिव डिसीजंस विच वी लर्न अबाउट लेटर I find it amazing that we cannot follow the principles of Swaraj within our own party. When a brilliant person like Arvind, who espoused the concept of Swaraj, of collective decision making,
is unable to follow it personally within the party, then doesn't it become incumbent to point out the same? तो हम लोग हमेशा एक क्रोनीज्म की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारी ही पार्टी में इतना ब्रिलियंट इंसान जो अरविंद है, जिसको मैं बहुत मानती हूँ, अगर वो अपनी ही पार्टी में इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी ना किसी को आगे आकर ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो मैंने इसकी शुरुआत की है पॉइंट आउट करने की कि वाकई में कोई इन पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, और एक छोटा सा एक दायरा है लोगों का, वो जकड़े हुए है पूरी तरह से अरविंद को, और वो ही डिसीजन ले रहा है। एक गेट कीपर्स बने हुए वहां पे, और वहां पे गेट्स हैं, और उनके अंदर कोई जा नहीं सकता। मैं भी नहीं, तो सोचिए आम वॉलंटियर कैसे जाएगा। एंड द सेकेंड पॉइंट दैट बॉदर्स मी इमेंसली, एंड प्लीज आई होप इट इज सीन एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बिकॉज माई लव एंड माई विशेज विल ऑलवेज बी विद आप, द परपेचुएशन ऑफ सेंसेशनलिज्म, ग्रांटेड दैट इट मे हैव हेल्प्ड अस टू मेक अ पॉइंट। The perpetuation of sensationalism, granted, it may have helped us make our point initially, but to continue to use it as a norm, defeats the exercise of trust reposed in us by the public. हम ये मानते हैं कि sensationalism करना, बार बार धरना करना, प्रदर्शन करना, अपने आप में उसके फायदे रहे होंगे बुनियादी दौर में, लेकिन अब हमें लगता है कि वो पूरा उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरह हो गया है, और लोगों का भी भरोसा इसमें हमारे अंदर कम होता जा रहा है जितने ज्यादा हम इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आर नेमिंग सम कॉर्पोरेट हाउसेस एंड पॉलिटिशियन कंटिन्यूसली इनफ, क्या यह काफी है कि बार बार हम कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस को और पॉलिटिशियंस का नाम लेते रहे? द कंट्री इज गॉन थ्रू इनफ ट्रॉमा, वी प्लेड अ ग्रेट रोल इन गैल्वेनाइजिंग पब्लिक ओपिनियन, even converting it into a political party, but when we become a political party, we need to evolve and not just assume the garb of agitation. So I feel, hame lagta hai ki agitation aur pradarshan se zyada kuch aur karna padega, ek reinvent karna padega, ek nayi soch lani padegi. Bar bar wohi cheez aap karenge to natije bhi wo aapko nahi milenge. Agar aap alag natije chahte hain to cheeze bhi aapko alag se karni padengi. I would rather now agitate against this for the sake of the party. Please hear it very carefully. I would rather agitate against this for the sake of the party. तो ऐसा नहीं है मैं कोई और पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ, बस मुझे अफसोस है कि मेरी ही इस पार्टी में ये हो रहा है, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई हो तो किसी में, सभी कहते हैं ना ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, तो कोई तो एजिटेट करे इसके खिलाफ भी, तो मुझे लगा मैं इसके खिलाफ एजिटेट करूंगी और पार्टी के हित के लिए करूंगी। Arvind has shot the messenger. For the last 4 years, I fought like an obedient soldier for the movement and later the party for political transformation in India. However, now I have been systematically marginalized because I offer a voice of dissent and constructive criticism. आप खुद जानते हैं, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल सकती थी, बहुत से लोग जानते हैं मेरे साथ काम कर चुके हैं, स्टार न्यूज में मैं एंकर थी, कहीं भी मुझे जॉब मिल सकती थी, और जामिया मैसकॉम की मैं रही हूँ, बहुत साल मैंने काम किया है, लेकिन पूरे दिल से मैंने इसको ज्वाइन किया था, और बहुत ही वफादारी के साथ भी और हिम्मत के साथ, और मुझे लगा था इसमें कुछ है, इसलिए मैंने पूरा साथ दिया था। लेकिन हमें लगता है कि अगर क्रिटिकल नहीं होंगे कोई चीज जिसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, तो कोई फायदा नहीं है, नहीं तो ये पार्टी और पार्टियों में कोई अंतर नहीं रहेगा। और क्योंकि मैंने अपनी इंडिपेंडेंट आवाज रखी, बहुत सारे डिसीजंस में मेरी सहमति नहीं है, और मैं डिसीजन मेकिंग का हिस्सा भी नहीं रही, तो मुझे बिल्कुल अलग मार्जिनलाइज कर दिया गया, और मेरे जैसे ऐसे कई लोग हैं, लेकिन मैं खुलकर बोल रही हूँ, शायद वो भी बाद में बोले। आई स्टिल हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर अरविंद एंड द सेल्फलेस वॉलंटियर्स हु आर द बैकबोन ऑफ द पार्टी। मेरे दिल में बहुत इज्जत है अरविंद जी की और सारे के सारे वॉलंटियर्स देश भर में, जिन्होंने सब कुछ तन मन धन लुटाकर, वो निछावर कर मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए और बदलाव के लिए। वन स्ट्रांगली बिलीव्स that instead of wasting our collective energy in this bail jail imbroglio, Arvind should actually be spending time with cadres, candidates, volunteers, critics at all, and I felt it incumbent to communicate to all. Main samajh sakti hu ki ek usool ki wajah se Arvind ne jail bond nahi bhara, aur unhone pehle bhi kiya hai, lekin mujhe lagta hai ye waqt aatma manthan ka hai, मुझे लगता है ये वक्त आत्म मंथन का है।
वो आत्ममंथन करें। इससे बेहतर है कि वो लोगों के बीच में जाएं और जो उनके आसपास के गेट कीपर्स हैं, वो जो एक चौकड़ी बनी हुई है, उनसे मुक्ति पाकर लोगों के बीच में जाएं। मेरी ये राय है उनसे और मैं उम्मीद करती हूँ वो सुनेंगे कि वो बेल भर दें अपनी जो है और निकलें और जाएं यूपी, जाएं मध्य प्रदेश, जाएं बिहार और प्रत्याशियों से मिलें जो लड़े हैं, उन सबसे मिलें, लोगों के बीच में जाएं। जो उनका प्रोग्राम था कि वो माफी मांगे, लोगों से फिर से संपर्क करें, क्योंकि मुझे, मैं इससे सहमत नहीं हूं इस किस्म की राजनीति से। द फ्यूचर ऑफ आप वुड बी द फेलियर ऑफ आप सॉरी द फेलियर ऑफ आप वुड बी द फेलियर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट्स इन इंडियन डेमोक्रेसी। आई होप माई लीविंग द पार्टी वुड फोर्स इन अ न्यू एरा ऑफ ओपननेस, इंट्रोस्पेक्शन एंड ट्रांसपेरेंसी within the decision making processes of the party. I will continue my fight against corruption, crimes against women, gender violence and social inequity in the realm of public service. My best wishes are with AAP and all its future endeavors. Jai Hind, Shazia Ilmi. अच्छा फोटोग्राफ करते नहीं नहीं, मुझे लगता नहीं मैं नाम दूंगी। देखिए, मैं इसी पार्टी में काम कर चुकी हूँ और मुझे लगता है इज्जत से उनकी भी इज्जत रहे, हमारी भी इज्जत रहे, अच्छा नहीं लगेगा मुझे नाम लेना। और मेरे ख्याल से आप लोग समझ सकते हैं कौन है वो। आपने नेशनल एग्जीक्यूटिव को ईमेल लिखा है, उसका कंटेंट बताएंगे जब पार्टी उसका कंटेंट बताएंगे? वो इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस है और उसमें भी मैंने इसी लाइंस पर लिखा है कि इसी लाइंस पर मैंने लिखा है। जी, आप पिछले चार साल आम आदमी पार्टी के साथ में थी, शुरुआत से जब से अन्ना का आंदोलन हुआ, उसके बाद से जब अन्ना अलग हुए तो ये हुआ कि आप उन अन्ना के साथ जाएंगे लेकिन नहीं गई, अरविंद के साथ नहीं। अचानक पिछले चार सालों के दौरान आज आपने ये क्यों तय किया कि आप देखिए नहीं? मैं एक्चुअली परसों ही सोच रही थी, पहले तो मैं इलेक्शन की बात सोच रही थी कि इलेक्शन में कोई हानि ना हो, तो मैंने इलेक्शन में कैंपेन किया। गाजियाबाद से ही मैं सोच रही थी मैं ऐसा करूंगी। कुछ वहां के लोगों ने भी मुझे बहुत परेशान किया, जो गाजियाबाद की टीम रही है, बहुत ज्यादा मैं परेशान हुई, तब भी मैंने सोचा छोड़ने का। फिर मुझे लगा नहीं, अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं 8 प्रदेश में कैंपेन करने गई बहुत ही अच्छे से। फिर मुझे लगा कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाए, उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आए, कुछ ऐसी घटनाक्रम हुई पार्टी के अंदर कि एक तरह से लगा कि पार्टी ही मुझे नहीं चाहती है, तो मैंने तब भी इंतजार किया कि अरविंद जेल में थे, लेकिन अब कल आया कि चाहे तो 6 तारीख तक रहेंगे, तो मुझे लगा मैं अभी कह दूं। और जो जेल की जो राजनीति भी है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं उसके खिलाफ भी स्टैंड ले रही हूं कि मैं इसको अप्रूव नहीं करती। मुझे लगता नहीं है कि ऐसे बात नहीं कर पाएंगे। देखिए वो और लोग होंगे और वो खुद अपने आप आएंगे, कई लोग तो चले भी गए हैं। नहीं, सारे एमएलए मेरे संपर्क में हैं। भारती से आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको कन्विंस किया है कुछ गलत फहमी है, जिसको पीएससी में लेकर जाएंगे और मामला समझ जाएगा। तो सुमला भारती आपसे मिलने आए थे, क्या कुछ हुआ? और जो एमएलए आपके साथ थे जी सर, आपकी बात हुई है सारे के सारे एमएलए से मेरी बात होती है, हम लोग बहुत ही करीब रहे हैं, आप जानते हैं कितना क्या कुछ देखा है ना साथ में, तो सबसे बात होती है। और कई लोग बहुत परेशान भी हैं कि हम जा रहे हैं, तो कई लोग मना भी रहे हैं, लेकिन कई लोग मेरी दुविधा को भी समझ रहे हैं।
क्योंकि वो भी ऐसा महसूस कर रहे हैं। शायद वो नहीं खुलकर बोल पाएंगे, लेकिन मुझे लगा मैं नहीं चुप रहूंगी क्योंकि मैं ऐसी हूँ। आराम से आपने कहा पार्टी आपको नहीं चाहती, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप ना पार्टी आपको नहीं चाहती? नहीं, मुझे लगा कि मैं, मेरी एक वॉइस क्रिटिसिज्म की है और मैं क्रिटिकल इनपुट देती हूँ और मैं किसी क्लीक में नहीं हूँ। मैं ना इस टीम की हूँ ना उस टीम की, मैं इंडिपेंडेंट हूँ जो मुझे लगता है। तो मुझे लगता है शायद इस वजह से मुझे मार्जिनलाइज किया जा रहा है और अलग अलग हटाया जा रहा है चीजों से। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है। देखिए, कैप्टन गोपीनाथ ने आपसे कुछ संपर्क किया? कैप्टन गोपीनाथ जो अभी खबर चल रही है, नहीं, मैं कोई पार्टी अभी नहीं ज्वाइन करने वाली हूँ। मैं काम ढूंढूंगी आप लोग की तरह और मजा। पार्टी अभी ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ, मतलब बाद में फ्यूचर में करने वाली है। अरे फ्यूचर में क्या होगा, हम क्या कह सकते हैं? अभी मैं कुछ काम करूंगी। हाँ जी, फ्यूचर में तो हम दादा ज्योतिषी हैं। क्या बताएं, बीजेपी नेताओं के संपर्क में है, ऐसा बात आ रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। मैं सब लोगों के संपर्क में हूँ बतौर पत्रकार जो मैं रही हूँ, और कई पार्टियों में, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ, तो उनके मैसेजेस भी आते हैं सॉरी यू लेफ्ट। तो मतलब वो अगर आपको संपर्क है, लेकिन पार्टी जोड़ने में, मतलब ज्वाइन करने में ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसको सोच समझ कर मैंने डिसीजन लिया। मैं दो तीन लोगों से यू नो व्हाट हैपेंड वाज दैट इलेक्शंस वर गोइंग ऑन एंड आई वांटेड टू वेट टिल द 16th और इवन द 12th। एक्चुअली आई थॉट ऑफ डूइंग दिस ऑन द 13th इटसेल्फ, बिकॉज़ आई फेल्ट सो आउट ऑफ इट। नहीं, बहुत बार हमने एनएससी में सवाल उठाए हैं, बहुत बार मैंने सवाल उठाए हैं बहुत बुनियादी, कि बताइए मैं पीएससी में क्यों नहीं हूँ और कुछ और महिलाओं के लिए भी वो क्यों नहीं है। मैंने ये सब सवाल उठाए थे बहुत बार, 5-6 महीने से। तो लगातार किस तरह से टिकट दिए जा रहे हैं, किस बेसिस पर, ये भी मैंने पूछा। आपकी पार्टी का एमएलए है, उनके अंदर भी नाराजगी है क्योंकि उनकी आवाज ये पार्टी के अंदर नहीं जा रही है, वो भी इस तरह का। यही सब है जो एमएलएज हैं, एमपी कैंडिडेट्स हैं देश भर के, बहुत से वॉलंटियर्स हैं, सब लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। कितने एमएलएज होंगे? ये सब क्योंकि मैं उनके लिए नहीं बोल रही, जिसको बोलना है खुल के सामने बोले, लेकिन ऐसा है। देखिए, जो जो पार्टी छोड़ता है आवाज उठाता है उसको अपॉर्चुनिस्ट कहा जाएगा। अगर कहेंगे तो ठीक है, अगर मुझे एग्जाम लगेगा मेरे ऊपर। आप कुमार से पूछिए, कई और नेताओं ने भी अपने इस्तीफा दिया, उनका ये कहना था कि पार्टी अपने मुद्दों से भटक गई है। क्या वाकई में आइडियोलॉजी के साथ जो पार्टी शुरू की गई थी आज उसे भटक चुकी है? और तो पहले जिन लोगों ने पार्टी छोड़ा है, जी मुझे सच में जो डायरेक्शन होता है पार्टी का, दिशा, मुझे दिशा ही नजर आ रही है। फिर मैं सोचती हूँ चलो कोई नई दिशा बनेगी, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि इस तरह की दिशा बन रही है कि जेल बेल की वो राजनीति बजाय फिर से लोगों से जुड़ना, तो मुझे और अफसोस होता है। मुझे उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन मेरी उम्मीद है कि मेरे जाने से शायद कोई सोचे। और उन लोग ने बहुत प्यार से मुझे रोका भी है और मनाया भी है, बहुत से भले लोग हैं, लेकिन कलेक्टिवली शायद उन्हें सोचना पड़ेगा। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की अपनी जो कमी हो रही है या फिर कैसे अरविंद अगर मेरा कोई भी काम होगा या रेलेवेंस होगी अगर मेरा कोई भी काम होगा या रेलेवेंस होगी अगर मुझे कोई रोल दिया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगी पार्टी में वापस। लेकिन क्या सवाल है कि वो पार्टी को बिखरने समेटने में कामयाब नहीं हो पा रहे? नहीं, मुझे लगा ये सबसे बड़ी बात है ये ना पार्टी डेमोक्रेसी, हम लोग कितनी बात करते हैं। नहीं, धरना प्रदर्शन की भी अपनी जगह है, और पर वो एक एग्जॉस्ट हो गई वो राजनीति, उसमें एक फटीक आ गया, तो मुझे लगता है उसमें उभर कर एक नई किस्म की सोच आ रही है।
आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता शाजिया इल्मी को आप सुन रहे थे। इस्तीफा उन्होंने दे दिया है प्राथमिक सदस्यता से। बाकी सभी पद जो उनके पास थे उन सभी से सदस्यता दे दिया और सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और ये कहा कि दरअसल पार्टी में अब आंतरिक लोकतंत्र नहीं रहा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की ओर से डॉक्टर अनिल जैन जी जुड़ चुके हैं, नेशनल सेक्रेटरी, और कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी स्टूडियो में मौजूद हैं। राजीव जी, शाजिया इल्मी ने आप पार्टी छोड़ दी है और बड़े गौर से आप उन्हें सुन भी रहे थे, इस पर टिप्पणी आपकी। देखिए, शाजिया इल्मी ने अभी बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ेंगे। जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी जो बात कही उन्होंने वो बिल्कुल नहीं है, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी मनमौजी व्यक्ति हैं। मन आता है तो सरकार बना लेते हैं, मन आता है सरकार छोड़ देते हैं, मन आता है जेल चले जाते हैं, मन आता है तो जेल से बाहर आते हैं। तो ये जो दिशाहीन पॉलिटिक्स है आम आदमी पार्टी की, निश्चित रूप से वो आम आदमी पार्टी के लिए घातक है और वो राजनीति के लिए घातक है। कायदे राजनीति के लिए ये घातक है। और आपका ये भी कहना है कि एक एक करके आम आदमी पार्टी के बाकी नेता भी जल्द ही पार्टी छोड़ देंगे। अनिल जैन जी, आपकी टिप्पणी, शाजिया इल्मी ने अपनी पार्टी छोड़ दी है और सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही सवाल खड़े किए हैं। देखिए, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को चलाया है, ये एनजीओ चलाना अलग बात है, राजनीतिक पार्टी को चलाना अलग बात है, मास की पॉलिटिक्स करना अलग बात है। क्योंकि मैं बहुत पहले से, अगर आपको ध्यान हो तो मैं शुरू के दिनों से कहता हूं कि ये एनजीओ के तरीके से देश की राजनीति नहीं चलाई जा सकती जी। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ऑटोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं। वो अपने साथियों की बात को, जब अन्ना के साथ धरने पर बैठते थे तब भी नहीं सुनते थे। अन्ना जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को उन्होंने किनारा किया क्योंकि उनका मकसद केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट करना है। ना तो समाज में कोई बदलाव, ना तो कोई व्यवस्था परिवर्तन से उनको सरोकार है, केवल और केवल अरविंद केजरीवाल कैसे प्रोजेक्ट हो, ये उनका मकसद है। अरविंद केजरीवाल की सारी कार्यपद्धति को आप अगर रिट्रोस्पेक्टिवली विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने जो उनके सामने चुनौती आई, बड़ा या छोटा, उसको किनारे करने की कोशिश करी। अभी शाजिया गई है, कल को कुमार विश्वास भी जाएंगे इस प्रकार से, और योगेंद्र यादव के साथ भी बहुत बनी रह पाएगी, मुझे इसमें भी संदेह है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो उनका काम है। लेकिन उन्होंने जो उनकी इस प्रकार की राजनीति से जो देश में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि एक अच्छे और सच्चे आंदोलनों के प्रति लोगों का विश्वास जरूर कम हुआ है और कम होगा। उन्होंने आंदोलनों की पीठ में छुरा घोंपा है, ये बात हम सब इस बात को मानते हैं। काफी महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई और आपने ये भी जोड़ा जो राजीव त्यागी कह रहे थे कि अभी तो सिर्फ शाजिया इल्मी या फिर कैप्टन गोपीनाथ ने ही छोड़ा है, बहुत सारे ऐसे नाम आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के नेता शाजिया इल्मी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जेल की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, सभी को भ्रष्ट बताना भी गलत था। इसके साथ एक के बाद एक कई ऐसी गलतियां रही जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के उन्होंने गिना दिए हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले प्रेस क्लब का हम रुख करेंगे। योगेंद्र यादव इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के जो सदस्य इस वक्त दिल्ली में हैं वो आपके सामने खड़े हैं। हम सब ने शाजिया बहन का बयान सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बोला। शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। पार्टी शुरू होने से पहले, आंदोलन के समय से और आज तक वो हमारी बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी रही हैं। चुनाव भी लड़े हैं और चुनाव के बाद देश भर में अभियान में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शाजिया पिछले कुछ वक्त से नाराज चल रही हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी आज से 2 महीना पहले नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में भी रखी थी, बीच में चिट्ठियां भी लिखी हैं, कुछ साथियों से बातचीत भी की है। हमने तब भी कहा था, बार बार उनसे कहा कि आपके सवाल वाजिब हैं, हम बैठ के इन सवालों का समाधान करेंगे। पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह तय हुआ था कि चुनाव के बाद जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी तो इन सब सवालों पर गौर किया जाएगा, और इनमें से कुछ के समाधान सोचे भी गए थे और कहा था कि इसे चुनाव के बाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में औपचारिक स्वरूप दिया जाएगा। कल परसों से जब से पता लगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती हैं, हम सब साथियों ने, मैंने भी लंबी बात की उनसे, उनसे अनुरोध किया कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। हमने
उनसे ये भी कहा कि नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक होने ही वाली है, वो उस बैठक में अपनी बात रखें। हमने उनको ये भी संदेशा भेजा कि आज पीएसी की बैठक हो रही है, वो उसके अंदर आके अपनी बात रखें। हमने ये कहा कि अरविंद भाई जेल में हैं, ऐसे वक्त में चुनाव के तुरंत बाद स्थिति में ऐसा निर्णय घोषित करना पार्टी के लिए अच्छा ना होगा, वो थोड़ा सा इंतजार कर लें। हम में से कुछ साथियों ने ये भी सुझाव दिया कि अभी उनकी मनस्थिति शायद वो नहीं है जिसमें उन्हें ये फैसले लेने चाहिए। हमें दुख है कि हम उन्हें मना नहीं सके इसके बारे में। आज शाजिया बहन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दे उठाए। मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि उन्होंने पार्टी में पार्टी के महत्व को, पार्टी की प्रासंगिकता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक रचनात्मक आलोचना करना चाहती हैं। उन्होंने कई मुद्दे उठाए और हमें कहा है कि हमें इस पर आत्ममंथन, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। शाजिया बहन चाहे संगठन में हैं या नहीं हैं, हम उस इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत महसूस करते हैं। कुछ गलतियां उन्होंने गिनाई हैं, कई गलतियां हम भी महसूस करते हैं। आज आम आदमी पार्टी के लिए वक्त है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, चाहे हमारे जो साथी पार्टी में हैं, चाहे जो आज नहीं हैं और चाहे जो कभी भी नहीं रहे हैं, उनमें से जो भी हमें हमारी गलतियां बताते हैं उस पे सोच के उस पे आत्ममंथन करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। वही करने के लिए हम इस कमरे में अभी बैठे हुए हैं, पिछले 4-5 दिन से रोज मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। शाजिया जी ने कहा कि अगर उनका रोल और रेलेवेंस इस पार्टी में होगा तो वो वापस इस पार्टी में आने के बारे में सोच सकती हैं। हमें अफसोस है कि उन्होंने फैसला आज लिया, उनकी कमी हम सबको खलेगी और ये उम्मीद भी बनी रहेगी कि आज नहीं तो कल वो अपने घर वापस आएंगी, हम सबके साथ खड़ी होंगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में हमारी हमसफर वो हमेशा रही हैं, रहेंगी। धन्यवाद। यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि अपने घर वो वापस जरूर आएंगी और हमें पूरा इस बात का यकीन भी है, क्योंकि शाजिया इल्मी ने भी जाते जाते एक रास्ता भी अपने लिए खोले रखा है आम आदमी पार्टी का। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन सीधे प्रेस क्लब का करेंगे जहां से आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, सारी बातें तो समझ में आई कि एक रचनात्मक चीजें बढ़ सके पार्टी में, इस वजह से शाजिया इल्मी बाहर का रास्ता ढूंढने के लिए मजबूर हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है जाते जाते एक बीच का रास्ता भी वो छोड़कर गई हैं कि पार्टी में अगर पार्टी चाहेगी तो भविष्य में वो दोबारा फैसला ले सकती है पार्टी में वापसी का। जी बिल्कुल चित्रा, लेकिन शाजिया इल्मी जो संस्थापक सदस्यों में से रही हैं, उनका इस्तीफा देना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा, वो भी उस वक्त जब अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के मुखिया जेल में हैं, पार्टी हाशिए पे है, दिल्ली विधानसभा नजदीक है। ऐसे में उनका पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। कई अहम बातें कही उन्होंने, चौकड़ी का जिक्र किया कि आखिर वो चौकड़ी कौन सी है जिसके आसपास अरविंद केजरीवाल, जिसको घेरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल को उस चौकड़ी ने। हमारे साथ शिवानी त्यागी हैं। शिवानी, कई अहम पहलुओं का जिक्र किया यहाँ पर शाजिया इल्मी ने, कौन कौन सी बातें कही शाजिया इल्मी ने रिजाइन देते वक्त? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में काफी लोगों ने एक सिलसिलेवार से रिजाइन दिया है, उनका कहना यही है कि जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी के अंदर। चार लोग हैं जो फैसला लेते हैं। शाजिया इल्मी काफी लंबे समय से रही है, आपने भी देखा है, हम सभी ने देखा है कि आंदोलन में हमेशा से बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है। ऐसे समय में उनका ये कहना कि घर वो जो एक चौकड़ी है उसके अंदर मैं भी नहीं घुस सकती, एक गेट कीपर्स रखे गए हैं दो, मैं नहीं जा सकती तो आम वॉलंटियर्स कहां जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है पूरी एक कार्यप्रणाली पे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी चलती कैसे है। हमेशा से बात करती है कि यहां पे डेमोक्रेसी है पार्टी में, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा हो गया। पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में लगातार खबरें चल रही है कि आम आदमी पार्टी न्यू सेंस क्रिएट कर रही है, शाजिया इल्मी ने भी इस बात का जिक्र किया था, थोड़ा डिटेल से बताएगा शाजिया इल्मी ने कहा क्या है? देखिए, शाजिया इल्मी ने बहरहाल यही बातें कही है कि पार्टी के जितने भी पदों पे वो अभी तक थी, स्पोक्स पर्सन थी और बाकी जो और महत्वपूर्ण काम वो करती थी, उन सबसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्हें कहीं ना कहीं दुख है, उन्होंने ये भी जताया
बताया कि उन्हें दुख है जो जेल की राजनीति अभी देखने को मिल रही है हमें केजरीवाल के साथ जो कर रहे हैं उनसे वो नागवार है, उनको वो पसंद नहीं। उनका कहना है कि जो लॉ है वो एक सबके लिए एक समान होता है, पर इस तरीके से उसकी पब्लिसिटी करना, उसको एक सुर्खियों में बताना, ये सबसे गलत है। ये एक ये बात रही। आशीष हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। राजीव जी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, वक्त की कमी है इस वजह से रोकना होगा इस चर्चा को। शाजा इल्मी ने पार्टी छोड़ दिया और इसके पहले हमने देखा था किस तरह से कैप्टन गोपीनाथ ने भी पार्टी छोड़ दी है और बड़ा झटका एक के बाद एक आम आदमी पार्टी को लगता हुआ चला जा रहा है।